आज का विषय रहा प्रत्यय ग्रामर का है, भाग एक है। एक प्रत्यय में आपको दो तरह के प्रत्यय पढ़ने हैं, एक तद्धित प्रत्यय पढ़ना है, एक स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय माने वो किसी पुलिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसमें एक प्रत्यय पढ़ना है, का प्रत्यय पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में तीन प्रत्यय पढ़ना है, त्व पढ़ना है, तल पढ़ना है और मतु प्रत्यय पढ़ना है। तो मैंने त्व के विषय में बताया था कि त्व को किसी शब्द में जब जोड़ोगे तो वो त्व में दिखेगा, यानी जुटा हुआ रहेगा प्रश्न पत्र में। अगर त्व लिखा रहेगा तो हम अगर इस तरह से है तो समझ लो कि त्व प्रत्यय है। ये तल जो प्रत्यय है वो ता में बदल जाता है, किसी शब्द में जुटेगा तो वो ता में दिखेगा, लेकिन जब वो शब्द से उस ता को हटाओगे तो वो किस में आ जाएगा, तल में आ जाएगा। तो एक तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द स्त्रीलिंग होता है और त्व प्रत्यय से बना हुआ शब्द नपुंसक लिंग होता है। तो ध्यान रखोगे तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए टा भी है, इसमें भी आ की मात्रा बचती है, यहाँ आ की मात्रा बचती है टाप में, टाप में टाप में ट का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है, आ बचा हुआ है तो आ शेष बच जाता है। ये थोड़ा सा समस्या हो जाती है कि यहाँ भी दिखने में लगता है कि आ इसमें भी मात्रा है, लेकिन आ उसका नहीं है, ता है, ये केवल आ दिखेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लता लिखा हुआ है और यहाँ पर एक गुरुता लिखा हुआ है, गुरुता लिखा हुआ है, तो यहाँ से पता है कि ये लता लिखा हुआ है, तो लता में जो ता है तो ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पर दूसरा वर्ड लेते हैं, सॉरी यहाँ पर बालिका लेते हैं, बालिका लिखते हैं, चाहे चलो वही लता ही लिखते हैं, चलो फंसाना है तो अब यहाँ पर लता लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरुता लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ता दिखाई दे रहा है, तो लेकिन यहाँ पर जो ता है आ है तो वो ता जो लिखा हुआ है ये जब वो गुरु शब्द में तल जोड़ेंगे तो गुरुता हो जाएगा, लेकिन ये अब इसमें जो ता आया हुआ है तो क्या ये लॉ में तल जोड़े हैं क्या, ये आप क्या ये लॉ में जोड़ तल करेंगे तो नहीं, तो ये लता हो जाएगा, ये लता हो जाएगा, तो ये नहीं, ये प्रक्रिया गलत है। लॉ कोई शब्द नहीं है, लॉ वर्ण है, तो वर्ण में एक प्रत्यय नहीं जुड़ता है, शब्द में जुड़ता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुए सही। लता और गुरुता, ये गुरु जो शब्द है लॉ शब्द नहीं है, इसमें वो लता प्रकृति प्रदत्त वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें वो स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पर क्या है, ये गुरुता लिखा हुआ है, तो गुरु में तल प्रत्यय लगकर गुरुता बना हुआ है, तो ये मत कंफ्यूज हुए कि इसमें भी क्या है, तल प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें तल प्रत्यय नहीं है, व्यक्तिगत माने लता नाम है, हाँ इसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, ता हो गया, तो लघु क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, जिस तरह लता स्त्रीलिंग शब्द है उसी तरह से ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा मतूप में आते हैं, मतूप में जब आगे चलोगे तो ये मतूप का मत होता है, ये मत बचता है, मतूप में ए उ का लोप हो जाता है या प का लोप हो जाता है, मत बचता है, म त जहाँ तू में से वो को निकालोगे तो हलम हो जाता है, मत बचता है। ये मत को जब ऐसे ले जाओगे आगे की तरफ तो मत का मान हो जाता है, ये मान हो जाता है पुलिंग में और स्त्रीलिंग में मती हो जाता है, ये स्त्रीलिंग में ये पू हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया, तो स्त्रीलिंग में मती हो जाता है। और कभी कभी ये मत जब आगे रूट में जाएगा बढ़ेगा तो ये वत में कन्वर्ट हो जाता है, वत वत में कन्वर्ट होगा तब ऐसे जाएगा तो ए वान में कन्वर्ट हो जाएगा और ए वती में कन्वर्ट हो जाएगा, वती हाँ वान वती में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मतु का मत तो होता है, लेकिन मत का वत कब होगा वो जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा तब वहां पर डिटेल से समझेंगे, अभी तत्काल में मैं ये तल को एक ही साथ पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से आप मैंने जानकारी हो जाएगी, ये टाप में तो ट का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है, आ बचता है, आ की मात्रा बचती है, तो शेष इसी तरह से आपको पढ़ना है। तो मैं डिटेल में अब आपको तो और तल पढ़ते अभी तत्काल में पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो मैं इसको बोर्ड पर साफ करते हैं। यहाँ पर दो प्रत्यय को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, केवल देख लोगे आपको बन जाएगा। यहाँ पर मैं त्व प्रत्यय डाल रहा हूँ और दूसरा यहाँ पर तल प्रत्यय डाल दिया, तल
ये तल डाल दिया, तल को ये जब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी तो ये ता में दिखेगा और एक किस में दिखेगा, त्वम में दिखेगा, ये त्वम में दिखेगा, बस यही ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शब्द का प्रयोग करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं लघु गुरु प्रभु साधु सरल मम जन, ये कुछ मैं शब्द लिख दिया, बहुत सारे शब्द होंगे। अब क्रम से अगर लघु को लघु में किसको जोड़ेंगे, त्वा को जोड़ेंगे, त्वम को नहीं जोड़ना है, प्रत्यय ये नहीं है, प्रत्यय त्वा है, तो ये त्वा को जोड़ेंगे, तो लघु जोड़ त्वा बराबर हो जाएगा, इसका हम अगर यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा लघुत्वम, लघुत्वम हो गया। अब लघुत्वम को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, लघु जो त्वा हो जाएगा, ये मत लिखना, ये लिखोगे त्वा होता है प्रत्यय, ध्यान में रखोगे त्वा प्रत्यय होता है, त्वम प्रत्यय नहीं है, तो लघुत्वम हो जाएगा। उसी तरह से गुरु में अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वम। उसी तरह से प्रभु में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रभुत्वम। उसी तरह से साधु में जोड़ोगे साधुत्वम, साधुत्वम। उसी तरह से सरलत्वम, सरलत्वम, सरलत्वम। उसी तरह से मम में जो ममत्वम, ये ममत्वम, ममत्वम। एक ध्यान दीजिएगा, सारे शब्दों में ये प्रत्यय नहीं जुड़ता है, ये देखिए यहाँ पर जन जो लिखा हुआ है, जन यहाँ पर ये आपका जुटेगा ही नहीं, ये जुटेगा, आगे वाले में जुट सकता है, ये जरूरी नहीं है कि तल पड़ते हैं जिसमें लगेगा उसमें त्व प्रत्यय लगे, त्व प्रत्यय लगे, अधिकारिता में दोनों प्रत्यय लगता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो उसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा। यहीं पर एक जन पकड़ा गया है, जन उदाहरण है, ये जन में त्व प्रत्यय नहीं लगेगा, ये तल प्रत्यय लगेगा तो जाकर ये इसका जनता बनेगा, जनता। इस प्रत्यय को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जन में तल प्रत्यय को जोड़ोगे तो जनता बन जाएगा। हाँ चलिए, ये इसमें लघुत्वम में लघु में ये तल प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगा, लघुता। ये गुरु में तल प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गुरुता। उसी तरह से प्रभु में जोड़ोगे तल प्रत्यय तो प्रभुता, प्रभुता। ये साधु में जोड़ोगे तो साधुता, साधुता। यहाँ पर सरल है तो सरलता, सरलता। उसके बाद मम में जोड़ोगे तो ममता। इस तरह से आप जानोगे, अभी बताएं सर, जन्म का टाइम लगेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, चलिए। तो आगे अब इसको मतु प्रत्यय से सब बच गया, तदित प्रत्यय में उसको बताएंगे आप। ये सारे उदाहरण जो लिखा गया है, कुछ ही उदाहरण आपको त्व और तल प्रत्यय से संबंधित बताया गया है, और अभ्यास से प्रैक्टिस से आप और बाकी उदाहरण समझ पाएंगे। तो अभी तक काल में मैं मतु प्रत्यय की चर्चा करूंगा, मतु देखेंगे, ये मतु मैं लिखा हूँ मतुप, ये मतुप में म उतर जाएगा जो कहते हो, ये तू जो लिखा हुआ है तू में ऊ की मात्रा की लोप हो जाएगी, प की लोप हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा मत, ये हो गया मत, ये आपका बच गया मत। अब चलते हैं एक थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, ये मत को जब ये मतूप को किसी शब्द में जोड़ेंगे तो मत होगा, मत को अगर पुलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये मान में दिखेगा, मान में दिखेगा, ये पुलिंग में मान में दिखेगा, और स्त्रीलिंग में ये मती में दिखेगा, दिखेगा मती, मती में दिखेगा। लेकिन यही मत कहीं आगे के रूट में आगे बढ़ता चला गया तो ये वत में कन्वर्ट हो जाएगा, वत में, और ये वान में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वती में कन्वर्ट हो जाएगा, वती में। अब रही बात, ध्यान से देखोगे, ये मतूप में तो से मत तो दिख रहा है, तो ये दिख रहा है तो ठीक है कि मान मती तो हो जाएगा, लेकिन इस मत को वत में कब बदलेंगे ये समस्या है,
ए कहां पर कैसा शब्द रहेगा जो यहीं से टर्न ले लेगा, और कैसा शब्द आएगा कि नहीं यहां से टर्न लेकर आगे आकर तब टर्न लेगा, तो वैसे शब्द को जानना पड़ेगा कि हम आखिर में ये मतूब तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतूब का मान और मति होगा, लेकिन वान वती किस स्थिति में होगी उसको जानने के लिए हम इसका नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप सही तरीके से आप जानेंगे कहां पर हम वान वती करेंगे, कहां पर मान मति करेंगे। जहां पर हम वत करेंगे वहां तो वान वती हो ही जाएगा, जहां पर मत करेंगे वहां मान मति हो ही जाएगा, लेकिन मत के बाद में वत किस कंडीशन में वत होगा उसको हम जानेंगे। तो मैं इसके विषय में चर्चा करूंगा, तहसील प्रत्यय है, तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुलझाने की प्रयास करूंगा कि आप समझ जाएंगे, किसी मामले में फंसेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पर नियम लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे आप अकारांत, अकारांत या आकारांत, आकारांत शब्दों के बाद, शब्दों के बाद यदि मतु प्रत्यय आता है, मतु पे प्रत्यय आता है, प्रत्यय आता है तो मतूप के मत के स्थान पर, स्थान में वत हो जाता है, वत हो जाता है जिसका, जिसका पुलिंग में, जिसका पुलिंग में, पुलिंग में वान एवं स्त्रीलिंग में वती के रूप में, वती के रूप में, रूप में दिखेगा। चलिए, एक मैंने एक नियम लिखा है, केवल इसका नियम मैं लिखा है वत का, ए मतू का मत होगा, मत का वत हुआ है, इसका मैं अभी तक लिखाया हूं कि ये वत का वान और वती हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर लिखा दिया। और इसके लिखने के बाद फिर मैं इस ठीक क्या कंडीशन होगी इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट लिखेंगे, यदि अकारांत, अकारांत या आकारांत शब्दों से भिन्न, शब्दों से भिन्न, शब्दों से भिन्न स्वरांत
शब्द शब्दों से भिन्न स्वरांत शब्द रहे तो मतूप के मत के स्थान में मान पुलिंग में एवं मति स्त्रीलिंग में स्त्री लिंग में हो जाता है। चलिए अब उदाहरण से आप समझ पाएंगे। इसका मैं अब एक क्रम से उदाहरण देते चलते हैं। इसमें ज्यादा ध्यान है अकारांत और आकारांत ध्यान दो। अकारांत का मतलब हुआ जिस शब्द के अंत में अ हो वैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो जिसके जिस शब्द के अंत में आ हो तो वैसे शब्दों के साथ हम प्रयोग करेंगे। कौन सा मतु पढ़ते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा वान और वतु हो जाएगा। लेकिन अकारांत और आकारांत भिन्न शब्द रहेगा कोई, जैसे इकारांत हो गया, भिन्न शब्द का मतलब हो गया इकारांत उकारांत ऋकारांत। अगर ऐसे शब्द आता है तो उन शब्दों के साथ में हम मतु पढ़ते हैं जोड़ेंगे तो मत का मान और मति हो जाएगा। यही नियम है, दूसरा कुछ नियम नहीं, बहुत आसान है। चलिए तो मैं उदाहरण के साथ आपको मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप समझेंगे। अब यहाँ पर मैं अकारांत आकारांत शब्द को लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गुण लिखा हुआ है, गुण यहाँ पर लिखा है, रूप लिखा हुआ है, जो आप इन शब्दों से परिचित है। ये गुण रूप शब्दों से परिचित है, धन से भी आप परिचित है कि नहीं। अब यहाँ पर एक शब्द देते हैं विद्या, दे देते हैं विद्या। अब देखोगे यहाँ पर ये शब्द है अकारांत, ये भी शब्द है अकारांत, अ में अ है, प में अ है, न में अ है, लेकिन यहाँ पर शब्द है आ, यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, ये अकारांत का लगा। ये तीन जो शब्द मैंने लिखा अकारांत है, और ये चौथा जो शब्द मैंने लिखा आकारांत है। तो ऐसे में हमको कौन सा प्रत्यय जोड़ना था, मतूप प्रत्यय जोड़ना था। ये मतूप प्रत्यय, मतूप प्रत्यय जोड़ना है। चलिए ये बराबर, तो मतूप में मैंने बता दिया था, मतूप में मत बचेगा, मत का वत माने आप देखेंगे यहाँ पर अपने ये रफ करना है, परीक्षा में डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, रफ करना है, तो वो नौ का चिन्ह लगाना है ऑप्शन में। आपको रफ करने के लिए आप पीछे में क्या करेंगे, परीक्षा के समय में बहुत संस्कृत के पेज बच जाते हैं, दो चार पेज में तो आंसर लिखा ही जाता है, पीछे में रफ करेंगे और समझेंगे उसका आंसर। अब यहाँ पर क्या करें, गुण जोड़ मतूप लिखा हुआ है, तो ये अकारांत शब्द है, तो अकारांत शब्द के लिए इसका वत में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वत में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मतूप अब यहाँ पर डायरेक्ट हमको लिखना है, तो गुण है तो पुलिंग में करेंगे तो देखो ये बन जाएगा, गुणवत बनेगा, गुणवत बन गया। हेलो, ये आपका मेन शब्द बन गया, गुणवत बन गया। गुणवत में ये क्या करेंगे, वो कौन ये पुलिंग बनाएंगे, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, तो एक गुणवत हो गया है। तो गुणवत से हम क्या करेंगे, इसी में अगर एक गुणवत में अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो ई की मात्रा लगाएंगे, गुणवती हो गया, ये हो गया स्त्रीलिंग, ये दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुणवत में गुणवती स्त्रीलिंग बना हुआ है, लेकिन एक गुणवत को हम क्या करेंगे, गुणवान हो जाएगा, गुणवान, ये हो गया पुलिंग शब्द, ये पुलिंग शब्द हो गया। तो इस तरह से आपका रूप है तो ये बन जाएगा, रूपवती बन जाएगा, रूपवती स्त्रीलिंग में बन गया, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रूपवान हो जाएगा, रूपवान, ये पुलिंग में बन गया। चलिए तो ये पुलिंग में आपका बन गया, गुणवत पुलिंग में आ जाएगा, नहीं भाई पुलिंग शब्द है, कहाँ है गुणवत, बस खाली गुणवत, हाँ वो उसी तरह से रहेगा। हाँ जी ठीक बोले, वो ये धन है तो ये धनवत हो गया, धनवती हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धनवती, कोई लड़की कोई स्त्री धनी मनी है तो उसको धनवती कहेंगे, क्या कहेंगे, धनवती कहेंगे, और वो कोई पुरुष है तो उसको क्या कहेंगे, धनवान कहेंगे, धनवान, धनवान हो गया।
तो इस तरह से एक शब्द बना है, पुल्लिंग में बना है। चलिए इसके बाद में विद्या है, विद्या आकारांत शब्द है। तो विद्या का जब हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये होगा विद्यावान। एक जल्दबाजी में कुछ नहीं करोगे, विद्यावान लिखाएगा। एक हाँ विद्वान लिख दोगे गलत हो जाएगा, विद्वान क्षत्रिय प्रत्यय लगकर बना हुआ है, ये विद्यावान है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दिखाया गया विद्यावती, हाँ विद्यावती हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और यहाँ पर विद्यावान हो जाएगा, विद्या विद्यावान हो गया यहाँ पर एक पुल्लिंग में। तो इस तरह से मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के विषय में बताया। ये क्या है, अकारांत और अकारांत शब्द है। तो ये अकारांत ये तीन मैंने बताया था। इस तरह से और भी सारे शब्द है आपके अभ्यास पुस्तिका में मिलेंगे, आप वहां से अभ्यास बनाकर परीक्षा के लिए लाभान्वित होंगे, लाभ मिलेगा। तो ये आकारांत शब्द है, आकारांत का मैंने एक उदाहरण दिया है। तो विद्यावती हो गया स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में हो गया विद्यावान। चलिए मैं अब उसके बाद में और दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ मतूप का मत ही रह जाता है उसके विषय में कब है। ये मैंने कहा था कि अकारांत आकारांत भिन्न से भिन्न स्वरांत रहेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है शक्ति, लिखा हुआ है शक्ति, यहाँ पर शक्ति इकारांत शब्द है, अकारांत शब्द नहीं ना, अकारांत शब्द है। शक्ति बुद्धि बुद्धि भक्ति भक्ति उसके बाद श्री श्री शब्द है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, मतु ही प्रत्यय जोड़ना है, कुछ दूसरा नहीं जोड़ना है, मतु प्रत्यय प्लस। अब इसको जोड़कर क्या करेंगे, ये जो इकारांत शब्द है, ये सारे शब्द इकारांत शब्द है। तो इकारांत शब्द है तो यहाँ पर इकारांत शब्द होने के कारण मतु के मत ही रह जाएगा, वत नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा शक्तिमान हो जाएगा, शक्ति शक्तिमान, ये पुल्लिंग में मैंने लिख दिया पहले। और स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग में शक्तिमती हो जाएगा, स्त्रीलिंग में शक्ति मती शक्ति मती शक्तिमती ऐसे लिखाएगा। शक्तिमती हो गया। उसी तरह से क्या होगा, बुद्धिमान बुद्धिमान शक्ति मौत शक्ति शक्ति मौती, हाँ जी ठीक है, शक्तिमती हो गया। यहाँ पर बुद्धिमान हो गया पुलिंग और बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धि मती स्त्रीलिंग हो गई। अब चलिए वही है भक्तिमान, भक्ति मान और यहाँ पर भक्तिमती हो जाएगा, भक्ति मती। उसी तरह से यहाँ पर श्री लिखा हुआ है, श्रीमान हो जाएगा, श्रीमान श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान, और यहाँ पर हो जाएगा श्रीमती। इस तरह से आप इकारांत का मैंने अकारांत आकारांत को छोड़कर बाकी कोई स्वरांत शब्द आता है तो आप मान करेंगे। इस तरह से अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, नियम कोई भारी नहीं है, इसी में थोड़ा सा नियम